मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्राण टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में 11 मजदूरों में से 3 सफाई मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 5 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये दर्दनाक हादसा ठाणे में हुआ है। यहाँ एक सीवेज टैंक की सफाई के दौरान टैंक में जहरीली गैस रिसाव होने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये मजदूर सफाई करने के लिए सीवर में घुसे थे। जानकारी के मुताबिक हादसा ठाणे के पौष सोसाइटी प्राइड प्रेसिडेंसी लूरिया में हुआ है, जहां 11 मजदूर सीवर की टैंक में सफाई करने उतरे थे, मगर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। तत्काल इसकी सूचना दमकल कर्मचारियों को दी गई। ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया, जिनमें से 3 की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि 5 मजदूरों की हालत अभी ठीक नहीं है, इन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस जहरीली गैस की वजह से जिन सफाई कर्मियों की मौत हुई है उनके नाम है अमित पुहाल 20 वर्षीय, अमन बादल 21 वर्षीय, अजय बुम्बक 24 वर्षीय हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।